Hello students, welcome in my second lecture about plant kingdom regarding to chapter 3. Students, plant kingdom से related जो first lecture था उसमें मैंने आपको general introduction दिया था about Robert Whittaker five kingdom classification and how we classify plant again in alga, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. तो students, कुछ terms हमारी और इससे related रहती है एनसीईआरटी में, उनको हम कैरी आउट करते हैं. क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करें तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स जब स्टार्टिंग हुई थी क्लासिफिकेशन की तो कैसे क्लासिफाई किया गया था ऑर्गेनिज्म को, कौन कौन से अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स थे उनके बारे में आज स्टडी करनी है. तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. आई थिंक यू आर वेल नोन विद कैरोलस लीनियस दैट गिव बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. मींस आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी इसको पढ़ा है कि कैरोलस लीनियस ने कैसे ऑर्गेनिज्म को नेमिंग दिया था. मींस जैसे हमारे घर के नाम अलग अलग होते हैं लेकिन एक कॉमन नेम होता है उसी से हम जाने जाते हैं, तो ऐसे कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाय मींस टू, नॉमियल मींस सिस्टम. जैसे आप होमो सेपियंस की बात करें तो होमो एंड सेपियंस मीन जीनस एंड स्पीसीज को लेके उन्होंने नेमिंग दी थी. तो कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, इन शॉर्ट वी कैन से बेंथम एंड हुकर, इन्होंने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं अबाउट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं उनकी स्टडी की गई, कौन कौन से पॉइंट उन्होंने लिए थे. तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लीनियस ने सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा. सबसे पहले आपको मॉर्फोलॉजी का मीनिंग बता दूं. मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है टू स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इज टर्म्ड एज मॉर्फोलॉजी. सपोज आपने कोई प्लांट लिया, आपने ये प्लांट लिया है सपोज, तो आप इसको सिर्फ बाहर से देखेंगे कि हाँ इसकी लीव्स कैसी है, नंबर ऑफ लीव्स कैसी है, उनका शेप कैसा है और उनका कलर कैसा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है. तो लीनियस ने क्या फोकस किया था, ऑनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो सिर्फ बाहर से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उनको स्टडी किया. अब इसमें लीफ की शेप है, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स देखे हैं लीव्स के, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. मीन्स नंबर ऑफ लीव्स डिफरेंट होती है, उनका जो अरेंजमेंट होता है एक प्लांट पे लगने का वो भी डिफर होता है. तो इस तरह से उन्होंने सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इंक्लूड किया. इसी के साथ उन्होंने एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पर भी फोकस किया. वेजिटेटिव कैरेक्टर में हमने ये वाली जो बातें हैबिट है, कलर है, नंबर ऑफ लीव्स है, शेप ऑफ लीव्स है, उनको कंसिडर किया. एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, व्हाट डू मीन बाय द टर्म एंड्रोशियम? एंड्रोशियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, जिसके लिए हम ये साइन यूज करते हैं स्टूडेंट, और फीमेल के लिए हमेशा ये वाला साइन यूज करते हैं. आपको आई थिंक याद आया होगा, और जिसमें मेल और फीमेल मीन्स आगे आप अभी आपको हम बताएंगे कि जो हर्मोफ्रोडाइट होते हैं उसके लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमने आपको एंड्रोशियम के बारे में बताया कि एंड्रोशियम उसका मेल सेक्स ऑर्गन है. इनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, उन्होंने लीनियस ने इन दोनों कैरेक्टर को, वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को इक्वल वेटेज दिया. तो इक्वल वेटेज देने से ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो इजीली अफेक्ट होते हैं, इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट. मीन्स एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होते हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर है उसके वो चेंज हो सकते हैं, उनमें चेंज आ सकते हैं. तो इसमें ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये डिस्कार्ड हुआ. मीन्स कि इसको वेटेज थोड़ी कम मिली, उसका रीज़न यही था कि दोनों को इक्वल वेटेज देना और वेजिटेटिव कैरेक्टर का इजीली अफेक्ट होना बाय एनवायरनमेंट. तो इनके बाद में
दूसरा अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट था वो दिया था बेंथमैंड हुकर ने, और इसको नाम दिया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल फीचर्स तो हैं, लेकिन इन एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ जो इंटरनल फीचर्स है उन पर भी फोकस किया गया, लाइक एनाटॉमी। तो यहाँ पर दो टर्म्स स्टूडेंट्स आपके लिए आज नहीं है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी मीन्स ओनली अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर से कैसा दिखता है। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, कि उसका अंदर से कंपोजिशन कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, पूरा अंदर से जब हम उसकी स्टडी करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। ओके, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। एक्सटर्नल फीचर्स मीन्स मॉर्फोलॉजी भी स्टडी किया, बट उसके साथ साथ इंटरनल फीचर्स मीन्स एनाटॉमी की स्टडी भी की। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स साइंस की वो ब्रांच जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे हुआ, अर्ली एम्ब्रियो कैसे था, उसको भी उन्होंने अटेम्प्ट किया। एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो इज टर्म्ड यूज फॉर प्लांट्स एंड केमिस्ट्री, जहाँ पर आप मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करते हो हमेशा कि कैसे मॉलिक्यूल्स हैं। तो फाइटोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, मीन्स उस प्लांट का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं मीन्स उसके सेल वॉल है वो किससे बनी है, या जो और स्ट्रक्चर है वो किससे बनी हुई है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो ये इनके कंपेयर में, यानी आर्टिफिशियल के कंपेयर में जो ज़्यादा वेटेज मिला वो किसको मिला, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसका रीज़न क्या है, क्यों मिला, क्योंकि यहाँ इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बारे में सोचा, एक्सटर्नल फीचर्स को ऑब्जर्व किया और साथ ही साथ वेजिटेटिव और एंड्रोशियन स्ट्रक्चर को एक ही तरह से स्टडी किया, एक ही तरह से वेटेज दिया। और वेजिटेटिव कैरेक्टर इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, सो दिस थ्योरी वॉज डिस्कार्ड एंड नेचुरल सिस्टम दैट इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि उस नेचुरल के साथ साथ वो एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियोलॉजी की भी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एल्गा स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ टॉपिक्स और हैं, कि अभी प्रेजेंट में हम कौन सा सिस्टम है वो मोर एक्सेप्टेबल है, और ये जो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इनके स्टडी करने के लिए क्या इजी वे होता है, प्लांट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उनका बिहेव है, उनकी स्ट्रक्चर है, उसको किस में इंक्लूड करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अनदर टर्म्स हम देंगे प्लांट किंगडम में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फोर टर्म्स हैं वो स्टडी करेंगे यार। सबसे पहले हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मीनिंग क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स आपको पहले मैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम या फाइलोजेनी क्या मीनिंग होता है इसका, मीन्स मोर एक्सेप्टेबल। यानी अभी आपसे पूछा जाए कि मोर एक्सेप्टेबल जो सिस्टम है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। व्हाई, बिकॉज दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस टर्म का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हम कहीं ना कहीं से अराइज हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, थोड़ा बहुत आपको इवोल्यूशन के बारे में पता है। तो जितने भी आप ऑर्गेनिज्म्स देखते हो एक सिंगल टैक्सा में, मीन्स एक टैक्सा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सपोज ये भी ऑर्गेनिज्म है, ये भी ऑर्गेनिज्म है, तो बिलोंग टू कॉमन एंसेस्टर, मीन्स इनका जो एंसेस्टर होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे हम हमारी बात करें, होमो सेपियंस और मंकी की आप बात करते हो, ठीक है, हम और मंकी एक स्पीसीज नहीं है, हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। हमारे जो एंसियंस थे, मीन्स हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो कॉमन थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि हम इवॉल्व होते गए, हमारे अंदर चेंज आते गए, मंकी है वो हमसे थोड़ा सा पीछे रह गए, हम उनसे थोड़ा सा आगे आ गए, हमारे और अंदर उनके चेंज आ गए। तो फाइलोजेनी क्या करती है,
कि जो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, उनकी स्टडी करती है. सपोज पहले से आज तक जो एक होमो सेपियंस इवोल्व हुआ है, वो जिनसे इवोल्व हुआ था और आज जो होमो सेपियंस है उनकी डीएनए स्ट्रक्चर में कितना चेंज आ गया है, तो ये सब स्टडी होती है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलता है. ओके, अब बात आती है कि इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इवोल्यूशन को सपोर्ट कौन करता है? इवोल्यूशन को मेनली सपोर्ट करते हैं फॉसिल्स. स्टूडेंट्स, आप फॉसिल्स के बारे में सभी जानते हो कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मीन्स प्लांट और एनिमल बहुत साल पहले यदि बुरिड हो गए तो उनके ऊपर सॉइल की लेयर्स आ जाती है, और जब वहाँ पर डिगिंग होती है बहुत टाइम बाद आप उसको जब खोदते हो तो वहाँ पर आपको उनको ट्रेसेस मिलते हैं, और इन ट्रेसेस के बिहाव पे हम ये बताते हैं कि हाँ ये इतने साल पुराना था, या जो अभी प्रेजेंट में ऑर्गेनिज्म है उसका ये एंसेस्टर था, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स. अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है. सपोज हमारे पास इवोल्यूशन की स्टडी के लिए फॉसिल्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम क्या करें? हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स की नीड होगी, हम अनादर सोर्स की तरफ मूव कर जाएंगे यदि हमारे पास फॉसिल्स नहीं है तो. और जो अनादर सोर्स है उसमें आप किसको स्टडी करेंगे? एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी. एनाटॉमी का मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर है, टू स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर. एम्ब्रियोलॉजी मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, कैसे एम्ब्रियो थे, कैसे हम इवॉल्व हुए. तो स्टूडेंट ये एक फर्स्ट टर्म थी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसका रिव्यू देखिए, मीन्स द स्टडी अबाउट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं, एक टैक्सा में जो मेंबर हैं, जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनका एंसेस्टर कॉमन है, कैसे वो इवॉल्व हुए हैं. हमें सपोर्ट कौन करता है? फॉसिल्स. बट फॉसिल्स नहीं है तो हमें अनादर सोर्स की तरफ जाना होगा, दैट इज एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी. तो ये था हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट आइए अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे हम वो होगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल्स की जब भी बात आती है मीन्स नंबर. ओके, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आपको पता है प्लांट्स बहुत सारे ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स है, एक साथ उन ऑब्जर्वेबल फीचर्स का कैसे हम रिकॉर्ड रखें. तो ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है इट इज कैरीड आउट बाय कंप्यूटर्स. यानी जब बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है आप उसका अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड नहीं रख सकते, आप कंप्यूटर में सेव कर देते हो, वैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज कैरिड आउट बाय कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स से कैरिड आउट करेंगे हम इसको, और कैसे करेंगे, किस पर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन नंबर्स. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन नंबर्स. और नंबर किसका स्टूडेंट? प्लांट्स का, कि प्लांट्स के ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, जैसे उसकी लीफ का नंबर कितना है, उसका शेप कैसा है, प्लांट की हाइट कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है. अब सपोज आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं, उनके पास शेप ऑफ लीव्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ लीव्स डिफरेंट है. एक आप दो प्लांट की भी स्टडी कीजिए, ये नहीं है कि उनके पास नंबर ऑफ लीव्स इक्वल होगा या शेप ऑफ लीव्स है ना वो हमेशा इक्वल होगा. उसके बाद कलर की बात करें वो भी डिफर होगा, हाइट की बात करें वो भी डिफर होगी. तो हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं मीन्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो बहुत सारे हमारे पास, तो हम क्या कर सकते जाते हैं उनको नंबर देते जाते हैं, गिविंग नंबर्स. आपने उनको नंबर्स दे दिए बहुत सारे, और इन नंबर्स का आप क्या करते हैं? कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखते हैं. मीन्स आपने एक शीट बना ली, यहाँ पर ये शीट बना लिया आपने, 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर आपने दिए दे दिए, और यहाँ पर उसके कैरेक्टर बता दिए. ओके, ये आपका कंप्यूटर में डाटा सेव हो गया.
अबाउट ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ मेनी प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स. अब क्या होगा स्टूडेंट, सपोज प्रेजेंट ईरा में अभी कोई नया प्लांट इवॉल्व हुआ, न्यू प्लांट आया, आपको ये पता लगाना है ये न्यू प्लांट कहाँ से इवॉल्व हुआ, इसका एंसेस्टर कौन था. तो हम इसके फीचर्स को यहाँ से मैच करेंगे, यहाँ पे जो हमने फीचर्स लिखे हैं उनसे मैच करने की कोशिश करेंगे. सपोज वो मैच हो जाते हैं, इट मीन्स कि ये न्यू प्लांट है, कहीं ना कहीं इनसे बिलोंग करता है, इनके एंसेस्टर ये है. और यदि ये मैच नहीं करते, इट मीन्स कि ये न्यू स्पीसीज अराइज हुई है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, और ये जो प्लांट है ये इनसे किसी से भी नहीं मिल रहा, ये न्यू जनरेशन है, न्यू स्पीसीज है. तो इस तरह से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले कैरिड आउट बाई कंप्यूटर्स. क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन नंबर्स है, लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं, आप एक साथ उनको स्टडी करने के लिए डेटा उनका कंप्यूटर में सेव रखते हो, अपनी शीट बना लेते हो, हमेशा के लिए सेव रहते हैं, सेफ रहते हैं. न्यू प्लांट्स आते जाते हैं, आप मैच करते जाते हैं, मैच कर गया इट मीन्स कि यहीं से कोई उनका एंसेस्टर आया, और नहीं मैच हुआ इट मीन्स इट्स अ न्यू वैरायटी, न्यू प्लांट्स. और सभी फीचर्स को यहाँ पर इक्वल वेटेज मिलते हैं. ओके, तो ये था अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. अब दो फीचर्स, दो कैरेक्टर हमारे और रह गए स्टूडेंट, दैट इज साइटो टेक्सोनोमी. साइटो मीन्स अबाउट सेल, एंड साइटो टेक्सोनोमी मीन्स स्टडी अबाउट क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आप जानते होंगे, क्रोमोसोम्स आर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत आपको पता हो बेटा. बेसिकली हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो असेंशियल है कैरेक्टर्स को, फीचर्स को. वैसे तो जीन्स कैरियर आउट करते हैं, बट फ्रैक्शनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज जीन्स. और इसका डिटेल स्ट्रक्चर जब आप अगले टॉपिक पे जाएंगे, जब सेल वाला चैप्टर आएगा तो वो डिटेल में बताएंगे. ओके, तो जो साइटो टैक्सोनॉमी में हमें स्टडी करनी है अबाउट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है. ओके, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का बिहेव कैसा है, और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है. मीन्स तीन पॉइंट कंसिडर करते हैं हम, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम बिहेव, एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. इट इज कंसिडर्ड इन साइटोटैक्सोनॉमी. ओके, अब उनका नंबर आपको पता है, हर स्पीसीज में क्रोमोसोम्स का नंबर डिफरेंट होता है. जैसे आपको ह्यूमन बींग के नंबर ऑफ क्रोमोसोम आई थिंक पता है कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो हम कहते हैं ह्यूमन बींग में जो क्रोमोसोम हैं वो होते हैं 23 पेयर, मीन्स टोटल हम कहेंगे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. बिहेव भी अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होती है. तो ये जब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा जिसमें क्रोमोसोम की डिटेल स्ट्रक्चर होगी, तब हम आपको बताएंगे. साइटोटैक्सोनॉमी के बाद में अब हम जो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं वो होती है कीमोटैक्सोनॉमी. ओके, तो कीमो मीन्स अबाउट केमिकल, यानी इसमें हम ये जो ब्रांच है इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं, अबाउट केमिकल कंपोजिशन. जो केमिकल कंपोजिशन है या केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें स्टडी करनी होती है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है उन सबका कंपोजिशन कैसा होता है, क्या उनमें केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है या डिफरेंट है. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया. उसके बाद में हमने जो अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हमारा नया अगला टॉपिक होता है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी, उनके बारे में आपको डिटेल में बताया. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और टॉपिक समझ में आया होगा. जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम अब हमारा जो प्लांट किंगडम का स्टार्टिंग है वो करेंगे, और वी विल स्टार्ट प्लांट किंगडम विद एल्गा. ओके, थैंक्स.